जहां छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर स्वास्थ्य बेहतर उपचार के साथ अस्पताल में बेहतर सुविधाओं की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हां, आज हम बात करें हैं अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय से महज कुछ ही दूर ग्राम अम्माबेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां संवेदनशील क्षेत्र होने के बाद जीवनदायिनी अस्पताल लापरवाही और प्रशासन की बेरुखी की मार झेल रहा है। जहां मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचते तो हैं, पर डॉक्टर्स और नर्स नदारद हैं और फार्मलिस्ट तो इस हॉस्पिटल में है ही नहीं, स्वीपर कल्पनाओं में गोते लगा रहा है। जब समाचार एक्सप्रेस को इनकी अनियमितता की जानकारी मिली तो संवाददाता की टीम सच्चाई जानने आमाबेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वहां का नजारा किसी जादू तिलिस्मा से कम नहीं था। मरीजों की आंखें टकटकी लगाए डॉक्टर का इंतजार कर रही थी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ओपीडी तो बंद ही सही, मगर आईपीडी तो 24 घंटे खुला रहना चाहिए। इसमें प्राथमिक उपचार होना होता है, और वहीं आईपीडी ही बंद हो तो आखिर प्राथमिक उपचार देगा तो देगा कौन? नर्स भी मौजूद नहीं। बड़ी मशक्कत के बाद नर्स पहुंची, फिर एक डॉक्टर को बुलाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर ने हमारी टीम को जानकारी दी कि महज एक डॉक्टर से यह अस्पताल संचालित है। एक डॉक्टर उस हॉस्पिटल में और भी पदस्थ है जो कि छुट्टी में गए थे। साथ ही नर्स की कमी का हवाला दिया गया। निश्चित रूप से कर्मचारी की मार झेल रहा हॉस्पिटल और सजा मिल रही ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को। सवाल ये खड़ा होता है कि बड़े बड़े मंच पर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। आखिर 21वीं सदी में भी लोग प्राथमिक इलाज को क्यों तरस रहे हैं? यहाँ निरीक्षण हॉस्पिटल का किया गया। यहाँ वाकई में हम ये देखे हैं कि यहाँ पे कोई भी स्टाफ उपस्थित नहीं था। काफी देर के बाद संपर्क करने के बाद और कुछ स्टाफ को बुलाने के बाद वहाँ उनके डॉक्टर और बाकी जो नर्सेस की भी कमी है, वहाँ पे डॉक्टर भी है नहीं, तो बहुत अनियमितता तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और डॉक्टर नहीं होने के कारण ये दूर दराज का एरिया है, पहुंच विहीन क्षेत्र है, यहाँ बहुत सी समस्याएं होती है, रास्ते का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो इनके द्वारा हम शासन को और हमारे उच्च अधिकारियों को और जो इनके मेडिकल ऑफिसर हैं, इनको मेरे द्वारा सूचना दी जाएगी। और वो जो डिटेल बात हमने देखी, अनियमितता है यहाँ बहुत सारा, मरीज भी आके बैठे हुए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था डॉक्टर नहीं होने की वजह से, उनको हमारे द्वारा विशेष रूप से कॉल करके बुलाया गया। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि इनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको हम इस संबंध में अवगत कराएंगे, और मैं स्वयं भी उनसे विशेष रूप से बात करके उनको बताऊंगी कि ये पहुंच विहीन एरिया है और यहाँ बहुत सुविधाएं की बहुत आवश्यकता है। संतराम कुर्राम। क्या नाम है आपका? संतराम कुर्राम। आप क्या लिए आए हैं? मरीज लाए हैं। मरीज लाए जी? क्या हो गया आपको? बुखार है। किसको? माता राम को। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे डॉक्टर है कोई देखने के लिए? कोई नहीं है सर। ऐसी रोज ऐसी रहता है क्या? डॉक्टर साहब रहते हैं कभी कभार? क्या मालूम सर, आज ही तो लाए हैं सर। यहाँ पे कोई नहीं है? कोई नहीं है आज। कैसे होगा इलाज? कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे, यहाँ पे कोई नहीं सर जी। मेरा नाम सर भवन लाल जैन है। क्या परेशानी है हॉस्पिटल में? यहाँ परेशानी ये है सर कि यहाँ पर समय में डॉक्टर लोगों की भी लापरवाही है, और यहाँ 24 घंटा डॉक्टर लोग ना अस्पताल में नहीं रहते हैं, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं रहता अभी। फिर हम लोग तो हमारे यहाँ मरीज लाए हैं, अभी हम लोग खाना वाना ला दिए थे, पर हमारे आने के बाद तो यहाँ तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं मिले, नहीं है कोई डॉक्टर नहीं मिला अभी तो यहाँ, नहीं है मात्र ड्रेसर लोग हैं, और एक जी और एक सिस्टर पाया गया, सिस्टर है। रात को जैसे तबीयत बिगड़ जाए फिर कैसे यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं रात को? अब रात में सर फिर अभी 24 घंटे तो सर नहीं रहते, अब उन लोगों को बुलाना पड़ता है आके। बुलाने पे आते हैं कि नहीं आते? बुलाने पे तो आते हैं बुलाने से। और दवाई ववाई मिलती है आपको यहाँ पे? दवाई ववाई सर हम लोग तो दवाई तो मेडिकल से खरीदवाते हैं सर, हम लोग मेडिकल से लाते हैं। और खाने के लिए? खाने के लिए मरीज को एक जन को मिल रहा है भोजन, बाकी एक के लिए घर से लाते हैं भोजन। खुशबू नाग जी? खुशबू नाग। मैडम की ड्यूटी किसकी है? सुलोचना। वो कहाँ पे है अभी? अब यहीं पे तो रहते हैं सब ड्यूटी टाइम में, अभी घर में होंगे पता नहीं, मैं नहीं जानती है। अब मेरा दो कितने बजे से है? मेरा दो बजे से है। दो बजे से आप? और डॉक्टर साहब? बघेल सर। अभी किसकी ड्यूटी लगी है डॉक्टर साहब पे? बघेल सर ही हैं। यहाँ कितने स्टाफ?
अभी दो डॉक्टर हैं, दो एमओ और दो स्टाफ नर्स हैं, एक वार्ड आया है। यहाँ पे तो कोई नहीं है अभी, कहाँ गया था कोई? हाँ छुट्टी है सर आज तो। तो एमरजेंसी ड्यूटी तो लगी होगी? नहीं एमरजेंसी नहीं रहती, नहीं आज जी। हम लोग तो यहाँ पे अभी दो डॉक्टर हैं, एक होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं, तो हम लोग संभाल लेते हैं, लेकिन स्टाफ में अभी डेशर वगैरह नहीं है, डेशर नहीं है, और स्टाफ नर्स भी एक का ट्रांसफ़र हो गया, तो अब उनका भी जॉइनिंग होने का है, अभी तक तो नहीं आए हैं, और जैसा भी है हम लोग सुविधा दे रहे हैं। रही बात यहाँ पे 108 की बात की जाए, 102 की बात की जाए, बहुत बुरी हालत में है मरीज, अगर वापस आ गए तो बहुत बड़ी बात है, तो क्या होगा इसके लिए, क्या सुधार होगा, कैसे बेहतर सुविधा दी जाएगी यहाँ दूरांचल गाँव वालों को? जी 108 थोड़ा ख़राब है, और 102 में अभी एक ही शिफ्ट में काम चल रहा है, नाइट में केस आता है तो कोई डिलीवरी के प्रसव केस वगैरह आता है, तो उसके लिए थोड़ा परेशानी होता है। मरीजों का भी आप कह रहा था कि रात बिरात को यहाँ पे जो नर्सें हैं उपलब्ध नहीं रहती, अगर रात को अचानक तबीयत खराब हो जाए तो नर्सों को बुलाना पड़ता है, ये कैसी व्यवस्था है, कैसे होगा अचानक कोई मरीज अगर ज़्यादा बीमार पड़ जाए तो उसको कैसे करेगा वो? नहीं यहाँ पे कर्मचारी चौकीदार नहीं है, फिर भी हम लोग फोर्थ क्लास को नाइट ड्यूटी लगाते हैं, और सिस्टर भी रहते हैं बगली में रहते हैं, जब भी केस आते हैं तो उसका इलाज वगैरह जो भी रहता है वो करते हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।